सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करना है कि आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। ठीक है, तो यहाँ से हम मॉडल को ऐड कर लेते हैं। एंड मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आप लोगों को करना है क्या गाइस वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस आपको जो ब्रोकन हर्ट दिख रहा है इसके नीचे आप सभी को अपने मॉडल को जो यहाँ पर ऐड कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड जैसे आप यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, आपको यहाँ पर गाइस अपने मॉडल का जो एक डुप्लीकेट बना लेना है। वो डुप्लीकेट किस लिए बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। तो पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड इस डुप्लीकेट वाले जो आपका जो मॉडल है इसको लेके चलना आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड जैसे आप इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाओगे अपना ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन लेना है, इसको जो अमाउंट है जीरो कर देना है। एंड ऊपर से मर्ज करके नेगेटिव वाला ऑप्शन जो है आपको ले लेना है। फिर इसको भी मर्ज करना है एंड कलराइज में जाना है। कलराइज में जाने के बाद आपको एकदम माइनस कर देना है, वहाँ पे आपको एक रेड कलर मिलेगा। देन उसके बाद आपको इसको डन करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको इन्वर्ट करना है। ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे जो आप सभी को साइज़ को इंक्रीज़ करना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो है अपने हेयर्स के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है। वो गाइज किस लिए करना है, क्योंकि गाइज आप सभी को दिख रहा होगा ऊपर जो ग्लोइंग हर्ट जो दिख रहा है ब्रोकन हर्ट, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके इस आपके जो मतलब कि आपके हेयर्स हैं इनके ऊपर उसकी लाइट पड़ रही है। तो ये रियलिस्टिक सा लुक दिखाने के लिए ये गाइज हम बना रहे हैं। ठीक है, अगर गाइज आपको ये वाला जो मतलब कि ट्रिक है अगर आपको एकदम डिटेल में समझना है तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने एकदम प्रॉपर समझा रखा है कि आप इसको कैसे बना सकते हो एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा आप सभी को हेल्प मिलेगी। तो बाकी बढ़ते हैं आगे, तो मैं इसको फटाफट करता हूँ देन बताता हूँ आप सभी को आगे क्या करना है। इतना हो जाने के बाद गाइज आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको कर देना ऐड। एंड जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आपको इसकी ओपेसिटी कम लगेगी। तो ओपेसिटी कम लगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको उसको एक डुप्लीकेट बना लेना है। एंड डुप्लीकेट बना के आपको उसको सेम साइज़ में रख देना है वैसे ही। एंड अगर इसकी ओपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप उसको कम भी कर सकते हो। एंड बाकी आप इसका जो ब्लेंडिंग मोड दो रख सकते हो, लाइटन एंड ऐड, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो, दोनों ही चॉइसेस आपके ऊपर है। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो रख लेना। उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे डन करना है। अब गाइस यहाँ पे बात आती है हमारी शेडो की। तो शेडो बनाने के लिए आप सभी को करना क्या है, आपको सिंपली ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक बैकग्राउंड को, एंड जो कि ब्लैक कलर का होगा। एंड जैसे आप इसको ऐड करोगे गाइस आपको ऐसे फुल स्क्रीन कर देना है इसको। एंड फुल स्क्रीन कर देने के बाद इरेजर टूल में जाकर आपको साइज़ बढ़ा देना है। एंड साइज़ को बढ़ा देने के बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद जो है गाइस इस तरीके से आपको पेंट करना है, जहाँ जहाँ पर आपको शेडो चाहिए वहाँ पर इस तरीके से पेंट करना है। तो इसको मैं फटाफट करता हूँ। ओके गाइस, हमारी जो शेडो वगैरह यहाँ पे बन चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसको जो हम सेव कर लेंगे एंड इसको लेके चलेंगे लाइटर मैप में, क्योंकि लाइटर मैप में रिटच करके हम इस फोटो को जो और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाने वाले हैं। तो लाइटर मैप में अपने फोटो को ऐड कर लिया है, तो पहले हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम पहले जो इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स को जो है कम करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो शेडो है इसको भी थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ब्लैक्स इसको भी कम कर देंगे हल्का सा, एंड इसका वाइट जो है हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। फिर चलेंगे हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे। एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे। फिर जाएंगे मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर लेंगे एंड इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, क्योंकि जो मतलब हमारा जो मॉडल वो थोड़ा सा काला लग रहा है तो उसका हम ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। फिर ब्लू कलर लेंगे, इसका जो सैचुरेशन हम हल्का सा कम करेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे ताकि जो ब्लू टोन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। इतना हो जाने के बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे नीचे टूल में, आपको फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड फोटो में विगनेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। फिर आपको पे मिलेगा फीदर, आपको उसका 100% इंक्रीज़ कर देना है एंड चले जाना है नीचे टूल में। फिर फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, नोट डिफ्रेक्शन बढ़ा देना है। एंड फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता वीडियो को एक लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।